2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पता है कितनी पावर जनरेट करता है? रियल लाइफ माइलेज सिटी में 20.8 kmpl की प्रोवाइड करता है विद 4-व्हील ड्राइव। इस गाड़ी में एक्चुअल में 6 कैमरा हैं। कैसे मैं बताता हूँ। साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लेंथ इसकी मिल जाती है, जिसकी वजह से साइज़ जो है इसका वो आपको पसंद आने वाला है, जिसमें आपको एक मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है। मैसिव से मेरा मतलब है लिटरली मैसिव। फाइनली आ गई वो SUV जिसका आप सबको था इंतजार। दिस इज दी होंडा CRV 2023 एडिशन, जो कि आ जाती है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ, ADAS लेवल 2 फीचर्स के साथ, और इतना ही नहीं आपको मिल जाते हैं सारे के सारे एडवांस फीचर्स और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो आप देखोगे और कहोगे तो मुझे तो चाहिए भाई होंडा। होंडा के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत सारे इनोवेटिव और यूनिक फीचर्स लेकर आते हैं। जैसे अभी होंडा सिटी आई थी तो उन्होंने मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ADAS फीचर्स लॉन्च कर दिए। उसी तरीके से CRV में भी बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। हम आपके लिए लेकर आए एक्सक्लूसिवली दी होंडा CRV वीडियो, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बात करते हैं इसके हाइब्रिड वेरिएंट से। एक हाइब्रिड वेरिएंट है, एक टर्बो वेरिएंट है, उसकी अलग से वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। सॉरी, बीच में एक ब्रेक लेनी पड़ी, नेशनल एंथम शुरू हो गया था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वैसे बता दूं, नेशनल एंथम अभी हम बैंकॉक में हैं तो यहाँ पर क्या सारे रुक जाते हैं, अपना अपना काम करने लग जाते हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं, शूट रोक कर थोड़ी देर रुक लेना चाहिए। एनीवेज बात करते हैं इसके हाइब्रिड इंजन के बारे में। 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि आपको रियल लाइफ माइलेज सिटी में 20.8 kmpl की प्रोवाइड करता है विद 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन। यस, यू हर्ड दैट राइट, दिस CRV इज 4-व्हील ड्राइव, वो भी ऑल टाइम, जहाँ पर आपको मिल जाती है 20.8 किलोमीटर्स की नॉट क्लेम्ड रियल लाइफ माइलेज फ्रॉम होंडा। तो ये एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे यहाँ पर कि कंपनी ने एक्चुअल माइलेज आपके साथ शेयर की है। अब माइलेज, इंजन, जिसकी खास बात है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। तो पहले हम इसका डिज़ाइन कवर आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसका फ्रंट काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर रखा गया है, डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, विड्थ से लेकर लेंथ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। पूरे ओवरऑल व्हीकल की बात करें तो 4670 mm की इसकी लेंथ है, जो कि ऑलमोस्ट 4.7 mm की मीटर्स की हो जाती है, जिससे ये गाड़ी की लेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। इवन विड्थ भी आपको 1.8 मीटर्स की मिलती है, विच मीन्स अगेन आपको सिटिंग स्पेस और गाड़ी का मस्कुलर लुक मिल जाता है। एनीवेज, फ्रंट लुक ऑल LED हेडलैम्प सेटअप, ऑल LED DRLs आपको साथ में मिल जाती है, बड़ी सारी ग्राफिकल, और साथ में आपको पियानो ब्लैक की ग्रिल और बड़ा सारा होंडा का लोगो, जिसके पीछे आपको रेडार सेंसर भी मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको LED फॉग लैंप्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, आपको 4-4 ऑफर हैं, 1, 2, 3, 4, उस तरीके से। बम्पर का डिज़ाइन आपको काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलेगा और साथ में आपको मिल जाता है एक बड़ा मस्कुलर लुक। मूविंग ऑन टू द फ्रंट बोनट। अब बोनट का हुड देख रहे हो, यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है किस तरह का कोई वॉशर? नहीं आ रहा ना, क्योंकि है भी नहीं, यहाँ नहीं है। एटलीस्ट वॉशर आपको मिल जाता है ऊपर वाइपर्स के ऊपर, वाइपर्स के ऊपर ही आपको अलग से वॉशर प्रोवाइडेड है, जिससे ये लुक जो है वो कम्प्लीटली नीट एंड टाइडी हो जाता है। लुक्स रियली रियली कूल। रही बात इसके साइड प्रोफाइल की, उधर से नहीं, इधर से दिखाता हूँ, आ जाओ। साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लेंथ इसकी मिल जाती है, जिसकी वजह से साइज़ जो है इसका वो आपको पसंद आने वाला है। मस्कुलर माचो लुक कम्प्लीटली मिलेगी। और पूरी पूरी प्रोफाइल में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसके ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स। अब ये इसका हाइब्रिड यानी कि EHEV का RS वेरिएंट है, जो कि स्पोर्टी नेचर के साथ आता है। आपको सारे वेरिएंट्स यहाँ पर थोड़े थोड़े लगा ही दूंगा। दिखाना चाहूँगा नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे इसके मिशलिन के टायर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे लुक के साथ प्रोवाइडेड हैं, और ये स्पोर्ट 3 सीरीज़ के हैं, और 235x55R19 inches का इसका प्रॉपर आपको सेक्शन मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और साथ में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरफ एक रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइडेड है, जो कि सेफ्टी में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। व्हील आर्च या प्रॉपर क्लैडिंग देखेंगे किस तरह की, बॉडी कलर ही प्रोवाइडेड है, ये प्लास्टिक और ऊपर आपको ये मेटल मिल जाता है, अब जिसकी वजह से गाड़ी की प्रीमियमनेस और ज़्यादा लगती है। क्लैडिंग होती है थोड़ा सा, समझ सकते हो ना कैसा लगना था। एनीवेज, 207 mm की आपको प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ऊपर की तरफ आएंगे तो किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में सेंसर नहीं लेकिन टच बेस्ड है, जो कि ऊपर एक बटन प्रोवाइडेड है। वो भी चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि नीट एंड टाइडी रखा गया, जिस तरीके से ब्लैक क्लैडिंग नहीं उस तरीके से ब्लैक बटन नहीं, की क्लियर ऑफकोर्स वही खोल के यहाँ नीचे से खोल के उसके की लगानी पड़ती है अगर बैटरी कभी डाउन हो जाए तो। बड़े सारे विंडो पेन, नो रूफ रेल्स, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि रूफ रेल्स तो होने चाहिए थे। अब और पीछे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ORVM ब्लैक डॉट टर्न इंडिकेटर तो मिल ही रहे हैं। इस गाड़ी में एक्चुअल में 6 कैमरा हैं। कैसे मैं बताता हूँ। एक तो 360 डिग्री कैमरा आता है, फ्रंट में मैंने आपको कैमरा दिखाया, वैसे ही राइट, लेफ्ट और रियर 4 कैमरा ये हो गए।
लेफ्ट वाले ORVM के ऊपर आपको लेन वॉच कैमरा अलग से मिलता है, वो भी आपकी बहुत हेल्प करता है। और 6th कैमरा इसका आ जाता है स्क्रीन के, विंडस्क्रीन के ऊपर, जो कि ADAS के सारे फीचर्स में आपकी काम करता है। अब ADAS के फीचर्स कौन से हैं? अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ साथ आपको जो फ्रंट जो कोलिजन मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है वो भी आपको प्रोवाइडेड है। और उसके साथ साथ सारे जो फीचर्स है आपके लिए यहाँ पर लिस्ट आउट कर दे तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक आइडिया हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ना होंडा सेंसिंग के फीचर्स वही हैं, बार बार सारे नाम लगा के टाइम क्यों वेस्ट करना। रियर में अगर आपको टायर दिखाऊं तो आपको अच्छी चीज़ ये लगेगी कि यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक ही मिल जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ड्रम ब्रेक करके कॉस्ट कटिंग की गई है, बिकॉज CRV एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कॉस्ट कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको बड़ा सारा क्वार्टर विंडो सेटिन क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर, जो कि इस व्हीकल के लुक को और एनहेंस करता है, लेकिन रूफ रेल्स की कमी जो है वो महसूस होती है। बट अच्छी चीज़ ये कि आप रूफ रेल्स लगा सकते हो, उन्होंने ऑप्शन उस चीज़ की दी है, तो वो एक बेनिफिट ऐड कर देती है कि अगर आपको कभी लगा कि रूफ रेल्स ऐड करने हैं तो आप कभी भी कर पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शार्क फिन इंडियन ऑन द टॉप इज प्रोवाइडेड, हाई स्टॉप लैंप के साथ वॉशर डिफॉगर वाइपर, होंडा का छोटा सा लोगो, साइड पर देखेंगे तो RS और EHEV की बैजिंग है, LED टेल लैंप्स बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं स्प्लिट, और इतना ही नहीं ये पूरे के पूरे हैं तो रैप अराउंड भी हैं और स्प्लिट भी हैं। उसका बेनिफिट ये रखता है कि बड़ी चंकियर लाइट्स रात में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। RS EHEV के साथ साथ बैजिंग आपको यहाँ पर CRV ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। LED ट्रीटमेंट सारे इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट का भी ऑफर किया जाता है। नीचे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा जो मैं बता रहा था वो भी मिल जाता है, और ड्यूल टेप एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो भी आपके लुक गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ओवरऑल बैक प्रोफाइल लवली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट, पावर टेलगेट, जिसमें आपको एक मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है। मैसिव से मेरा मतलब है लिटरली मैसिव, सामान ही सामान रखने की जगह, कोई दिक्कत आपको नहीं आती, बड़े बैग्स आराम से रखो। दो दो लाइट्स प्रोवाइडेड हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, साथ में आपको हुक्स भी मिल जाते हो, 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइडेड है, साइड पे कंपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी सामान रख सकते हो, और अगर वो भी जगह कम पड़ जाए तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसके नीचे भी आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, दैट्स रियली रियली कूल। जो सीट्स हैं उनका रिक्लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप हमेशा तो सामान लेके चलोगे नहीं कि बहुत ज़्यादा सामान ज़्यादा हमारे साथ जा रहा है, तो आप इनको ओवर रिक्लाइन करके इनको रिलैक्सिंग बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे, लेट मी शो यू दैट एज वेल। अंदर जाने से पहले इसके इंजन, 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पता है कितनी पावर जनरेट करता है, 184 PS एंड 335 Nm ऑफ टॉर्क। उसका रीजन है इसकी हाइब्रिड मोटर और ऑफ कोर्स इसकी हाइब्रिड बैटरी भी। पूरा हाइब्रिड पावर ट्रेन की बात करें तो दो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिल जाती हैं आपको इसके प्रॉपर फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा इंटीरियर में आपको ड्राइव मोड्स और पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शंस तो मिल ही जाती है। इंजन काफ़ी रिफाइंड है, 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, आवाज़ बहुत कम जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ तो आवाज़ भूल ही जाओ। चलिए आप CRV के इंटीरियर में चलते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स दिखाया था। पहले तो ये आपको वेलकम सीट मिल जाती है, अगर मेमोरी फंक्शन ऑन किया हो तो ये आपको वेलकम भी करती है सीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लंबर सपोर्ट तक प्रोवाइडेड है, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो और रिक्लाइन भी यहीं से एडजस्ट कर पाओगे, तो कम्फर्ट का तो पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। इंटीरियर में बिल्कुल भी आपको टिपिकल होंडा वाला स्टेयरिंग नहीं, बल्कि उससे कुछ स्पेशल मिलेगा, बिकॉज ADAS के सारे फीचर्स यहीं पर पोजीशन किए गए हैं, चाहे इसका लेन की असिस्ट हो, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्दर व्हीकल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ वॉइस कमांड्स जैसे फंक्शंस हैं वो ऑफर किए जाते हैं, और मेन्यू नेविगेशन एज वेल। लेफ्ट साइड पे आपको इसके मिल जाते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स, राइट साइड पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाता है, और उससे भी इंटरेस्टिंग आपको लगती है इसकी MID, यानी कि इसका पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि दिखने में कमाल का लगता है, और साथ में क्रिस्प एंड क्लियर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करता है। राइट साइड पे सारे बटन्स आपको मिलेंगे बूट ओपन करने का, और ऑप्शंस मिल जाती हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का इस तरफ मिल जाएगा, और जो AC वेंट्स हैं उनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, यहीं से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये नेट है, मैश है, उसके पीछे AC के वेंट्स हैं, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। सॉफ्ट टच मटेरियल, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर, ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो आपको सारा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, और साथ में आपको मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर्स फॉर योर ड्राइविंग कम्फर्ट के साथ साथ फन टू ड्राइव एलिमेंट प्रोवाइड करने के लिए। स्पोर्टी पेडल्स और बड़ा सा डेड पेडल आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया बनाने वाला है। ओवरऑल सेफ्टी के लिए आपको 7 एयरबैग भी इस व्हीकल में मिल जाते हैं। डोर साइड दिखा दूं तो स्पीकर सिस्टम 12 स्पीकर्स बोस की तरफ से मिल जाते हैं, विद प्रीमियम साउंड, ग्लॉसी फिनिशिंग, क्रोम फिनिशिंग सैटन वाली यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। डोर हैंडल्स का डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ORVM को एडजस्ट करने के ऑप्शंस यहीं से, और सारे कंट्रोल्स भी यहीं मिल जाएंगे, और इवन ये भी आपको सॉफ्ट टच ही मिल जाता है। एडजस्टमेंट, लेफ्ट राइट, फोल्ड, लॉक अनलॉक, और ये पावर विंडोज भी। मेमोरी सीट्स के फंक्शंस के बटन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से 1 और 2 में अलग अलग जो है आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी
चॉइस के हिसाब से अपने मनपसंद यानी कि स्वाद अनुसार तो नहीं कह सकते, ज़रूरत अनुसार इसको एडजस्ट कर पाओगे। सेकेंड रो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा और आप पीछे करोगे रिलैक्स। हालांकि मेरी मानना इस गाड़ी को चलाना रेगुलरली, खुद चलाना। रही बात इसके, आराम से बंद करते, शोर कम आएगा थोड़ा सा। बैठते इसके सेकंड रो में, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा नी रूम, लेग रूम, बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। स्टोरेज ऑप्शंस यहाँ पर एसी वेंट्स डेडिकेटेड, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ब्लोअर की स्पीड भी चेंज कर पाओगे। इवन ब्लोअर की स्पीड का डायल भी आपको रबड़ में मिलता है, यानी कि सॉफ्ट टच, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। टाइप सी यूएसबी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग है, ऑल लेदर एट इंटीरियर आपको बहुत प्रीमियम लगने वाला है। कप होल्डर्स आपको वर्टिकल मिलेंगे विद वेरी बिग आर्मरेस, जिससे आप सपोर्ट आराम से ले सकते हो। टनल बिल्कुल ना के बराबर है, तो तीन लोग बहुत इजीली बैठ पाओगे। ये देखो, इस पर्सन को भी अंडर थाई सपोर्ट चाहिए, तो पैर थोड़े आगे करने पड़ेंगे, बट तीन लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से क्या व्यू मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। बड़ी स्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक वाइड व्यू ऑफ द एसयूवी, लुक्स रियली रियली कूल। पैनोरामिक सनरूफ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, बड़ी सनरूफ आपको यहाँ तक मिल जाती है। हेडरूम आपको डिसेंट मिल जाता है, साइड पर बैठेंगे तो हेडरूम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ठीक है। आपको LED लाइट्स जो है वो टच सेंसिटिव मिल जाती हैं, आगे भी टच सेंसिटिव है, बताना भूल गया था। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटेड सीट्स आगे नहीं मिलती हैं, अनफॉर्चुनेटली। वो होती तो अच्छा लगता, बट ये बात मैं दावे के साथ तो नहीं, बट CRV इंडियन मार्केट में आएगी, होंगी। हेडरेस्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है, इवन सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं, तो सेफ्टी का ध्यान पूरा रखा गया। 12 स्पीकर बोस की तरफ से आपको एंटरटेनमेंट भी पूरा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन स्टोरेज नीड्स का क्या, आपको डोर साइड में दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी बॉटल आराम से रख सकते हैं, थोड़ी एडिशनल स्टोरेज भी मिल जाएगी, साथ में मिल जाती है आपको प्रॉपर लेदर आर्मरेस्ट, सामान रखने के लिए आपको जगह के साथ साथ कंफर्टेबल जो पोस्चर है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी आपको प्रॉपर क्रोम की फिनिशिंग के साथ साथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। और जैसे कि मैंने बताया, 12 स्पीकर सिस्टम बोस की तरफ से, उसका ट्विटर भी नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि एक बहुत ही एडवांस प्रीमियम अप मार्केट और लग्जूरियस आपको फील कराने के लिए मोर देन इनफ है। होंडा CRV अब इस हाइब्रिड होने की वजह से बहुत अच्छी आपको माइलेज प्रोवाइड ये कर रही है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। और बड़ी SUV 4x4 ऑल व्हील ड्राइव के साथ इस तरह की माइलेज एक बड़ी बात है, बड़ी SUV के साथ ये बड़ी बात है। और आपको ये प्रोवाइड करती है एक अच्छी माइलेज, 20.8 किलोमीटर की एक्चुअल माइलेज पर लीटर, और उसके साथ साथ एक बढ़िया लुक्स, कुछ ADAS फीचर्स, और साथ में प्रीमियम फीचर्स और लग्जूरियनेस, जो आपको प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल जाती है। अब CRV इंडियन मार्केट में अगेन वही 30-35 लाख तक चली जाएगी, इस बात की तो पक्की गारंटी है। और आपको क्या लगता है होंडा CRV के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका काम बस इतना ही है, यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाई और आगे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।